ये देखें जी किनारे तक इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है आपको हब डैम के अंदर जो है मिलेंगी। ये देखें जी, ये है मगरमच्छ। मगरमच्छ ने खाया है। ये देखें जी, ये मछली। अच्छा भाई ये देखें भाई, ये है सारा सीन। ये हब डैम से आ रहा है पानी। तालियां। ये देखें, ये बंदा जो है मछली पकड़ने के चक्कर में मुझे लग रहा है डैम के अंदर गिरेगा। हब डैम में हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढने का रेस्टोरेंट मिला ना हमें यहाँ पे, जो मछली की शॉप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोग आज मौजूद हैं हब डैम कराची बलूचिस्तान में, और इस टाइम पे आप लोग देख सकते हैं, आपने हब डैम की काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी। एक हमारी वीडियो थी, बहुत वायरल हुई थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। अब हम लोग हब डैम के एक ऐसे किनारे पे आए हैं जो इससे पहले आपने किसी वीडियो में ही देखा होगा। स्पिलवे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी जगह हम देखी होंगी, लेकिन ये हब डैम की वो खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है जो अभी तक किसी वीडियो में आपको नज़र नहीं आया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये बेहतरीन नज़ारों से आप लोग लुत्फ अंदोज़ होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आओ मेरे नाल। तो दोस्तों हम लोग बैठे हुए हैं इस टाइम पे हब डैम पे, और ये देखें, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कोई समुंदर का जो है ये नज़ारा लग रहा होगा, लेकिन ये समुंदर नहीं है, ये हब डैम कराची बलूचिस्तान है, जहाँ से पानी जो है ये ठाठे मारता हुआ आ रहा है। इतना पानी जमा हो गया है कि भाई लग रहा है अगले 2-3 साल की जो है ना पानी की कमी जो है पूरी हो गई है। लेकिन फिर भी कराची वालों को पानी नसीब नहीं होगा, कराची वाले वही टैंकर से ही पानी भरेंगे, टैंकर से ही पानी जो है वो ख़रीद के पियेंगे। लेकिन ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन, अभी हमने यहाँ पे तकरीबन 3 फीट की मछली मैंने देखी थी यहाँ पे, लेकिन मर चुकी थी तैरते तैरते करीब आए थे, लेकिन ये बड़ा ही हसीन नज़ारा है इस टाइम पे। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि हब डैम के डोर से जो है, जो मेन डोर है वहाँ से एंट्री नहीं है, सही है भाई, ये पहले ही समझ लीजिएगा बात। अगर आप डोर पे जा रहे हैं हब डैम के, तो वहाँ से आपको एंट्री नहीं मिल रही। आप लोगों को डोर के पास से एक रास्ता राइट हो रहा है, ये रास्ता वहाँ से चलता हुआ सीधा आपको इस पिकनिक पॉइंट पे लेकर आएगा, जहाँ से आप आराम से बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, खाना ला के फैमिली के साथ खा सकते हैं। कोई वॉशरूम वगैरह नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। फिर पूछते जी वॉशरूम का इंतज़ाम है? पानी देखें आस्ते आस्ते तेज़ होता जा रहा है, 1-2 बारिश और होनी है तो ये पानी जो है यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन ये एक अच्छा स्पॉट है, लेकिन यहाँ पे आके नहाने की कोशिश आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी भाई, यहाँ पे पानी बहुत गहरा है। सिर्फ मैं जहाँ बैठा हूँ, इसके बाद ये वाले पत्थर है सामने येलो, और इसके फौरन बाद जो है आगे गहराई है। अगर आप वहाँ गए तो जलपरी बन जाएंगे, अंदर ही गायब हो जाएंगे, सही है भाई, तो यहाँ पे नहीं जाना। अभी आपको यहाँ के ड्रोन शॉट भी दिखाते हैं, और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी, उनकी राय भी लेते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। तो फिर आ जाओ चल के पूछते हैं लोगों से। अच्छा जी हमारे साथ ये एक दोस्त आए हैं भाई कराची से, न्यू कराची से यहाँ पे आए, कैसा लग रहा है? सर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, मौसम भी अच्छा है और बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट वगैरह हो रहा है, और अक्सर हम लोग इधर आते रहते हैं दोस्तों के साथ। इस जगह पे कैसे पहुँचे? क्योंकि ये आम लोगों को इस जगह का नहीं पता, ज़्यादातर लोग आते हैं वो गेट बंद मिलता है तो गेट से ही मुड़ जाते हैं। इस जगह तक कैसे पहुँचे आप? वो दरअसल सरजानी से इसका एक रास्ता निकल रहा है हमारी न्यू कराची सरजानी से। अच्छा सीधा सर सैयद यूनिवर्सिटी वगैरह है वहाँ से बिल्कुल सीधा डैम की तरफ ये रास्ता आ रहा है। अच्छा और बहुत अभी इस वक्त बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है। नहाने की कोशिश तो नहीं की आपने? नहीं 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 नहाने के लिए नहीं, गहरा है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, अंदर गया तो गहरा। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं यहाँ मगरमच्छ भी है, ये बात सही है? हो सकता है, लेकिन कहने का मकसद ये कि आप देख रहे हैं चारों तरफ जंगली जंगल है, पहाड़ी पहाड़ है, तो मुमकिन है कि होंगे, लाजमी होंगे ना जी। और मगरमच्छ ऐसे ही किनारों की तरफ ही आते हैं, आते होंगे क्योंकि पानी जिस तरह भरा हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी है। वो देखें वो हमारे भाई क्या ले आए, ले आओ ले आओ, ये क्या? हमने इतनी मुश्किल से इंतजार करा इसका, पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक इसमें समुद्र, ये देखें जी किनारे तक इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है आपको हब डैम के अंदर जो है मिलेंगी। ये देखें जी, ये है मगरमच्छ। मगरमच्छ ने खाया है इसको, देखो ना वो देखें, ऐसा लग रहा है कि जख्मी किसी ने उसको काटने की है, काटने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप खाना वगैरह साथ लेकर आए थे? नहीं सर, यहाँ खाना वगैरह हम आपस में, हम दोस्तों ने तैयार किया है। हाँ अभी खत्म हो गया खाना, तो मेरे ख्याल से शायद दे दिया है खाना, खा चुके हैं। नहीं नहीं इनको दे दिया है, ये जो दूसरी पार्टी वाले आए, दूसरी पार्टी आए, ये भाई भी आए हैं जी। आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत जबरदस्त मौसम था माशाल्लाह, मजा आ गया। डुबकी लगाई आपने? नहीं नहीं डुबकी वगैरह, दिल देख के आपको लग रहा है आपका दिल चाह रहा डुबकी लगाने का? नहीं बस
जब दफा 144 लगी हुई है तो मुनासिब भी नहीं है डुबकी लगाना। तैरना आता है सब? नहीं नहीं आता। सही हो गया, तो मजा आ रहा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार रहा, बहुत शानदार। आपको कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम। बहुत जबरदस्त एंजॉय हुआ माशाल्लाह। अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बेहतरीन मौसम मिला, नेमत अल्लाह की तरफ से। ये नेमतें हैं सब, ये सारी नेमतें अल्लाह पाक की माशाल्लाह। तो अब नेमतों के से जो ना लुत्फ अंदोज होने के लिए आया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लुत्फ अंदोज हुए आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे हमने बकरा पकाया माशाल्लाह। बकरा पकाया खा लिया आपने? अरे तो सर आप भी आ जाते हैं, आपके लिए क्या मतलब मना गया है? आप घर के अपने भाई हो, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया जी। वो भाई भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आइए जी, आइए जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर। माशाल्लाह हम कराची बनारस से आए यहाँ पर, और मेरा ख्याल ये है कि पिकनिक पॉइंट के लिए एक बेहतरीन जगह है जहाँ पर, जहाँ तक बात है दफ़ा 144 का, तो उसका भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ कवानीन को तोड़ना नहीं चाहिए, ये हमारे लिए होती हैं। और बाकी जो लोग समंदर के साहिल पे जाके तंग होते हैं, वहाँ बड़ी रश होती है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ एक बेहतरीन जगह है। हम भी खाना वाना लेकर आए हैं, मेरे साथ दोस्त भी हैं, और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। पकड़ेंगे मछली? पकड़ने का तो कोई खास इंतजाम नहीं है हमारे पास, मगर मछली वैसे यहाँ पर है कंफर्म। लगता है कि हमें निकल जाएंगे, हमें निकल जाएंगे। चले आप दुआ करें। आप माशाल्लाह बड़ी कोई मजहबी जो है शख्सियत लग रहे हैं आप मुझे। बहुत शुक्रिया, और खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। तो भाई ये है कि अभी आपको यहाँ पे ड्रोन शॉट भी दिखाते हैं, और ये बहुत हसीन नज़ारा हो रहा है। चारों तरफ जो है आपको बादल ही बादल है, और ये डैम जो छोटा नहीं है, बहुत ह्यूज डैम है ये। हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत आपको यहाँ पे आके एक, क्योंकि शहर में रह रहे कि आपको जो है ना हर वक्त एक शोर शराबा एक नॉइस पोल्यूशन को फेस करना पड़ता है, तो ऐसी जगहों पे आके आपको ऑलरेडी जो है ना माइंड आपका ना एक पीस में आ जाता है। तो हमारे साथ हमारे दोस्त भी आए हुए हैं, सरोड़ भाई वगैरह भी, उनसे ही मिलवाते हैं, ड्रोन शॉट भी लेते हैं। तो आ जाओ फिर। पर जो है ना खाना वगैरह पका रहे हैं, इन्होंने एक अपना एक कॉर्नर देख लिया है। क्या पका रहे हैं? गोश्त। कौन सा? बीफ बना रहे हैं। जल्दी बनाए बीफ, लाए बीफ लेकर आए। वाह भाई वाह, बीफ लेकर आए, जबरदस्त। जल्दी से बीफ बनाए, फिर हम भी खाएंगे आपके साथ। रोटियां वोटियां हैं, जल्दी। कितनी देर में पक जाएगा? एक घंटे में पकेगा? एक घंटा हम इंतजार करेंगे, एक घंटे में नहीं पकाएगा तो हम जाएंगे। सरवर भाई वहाँ खड़े हैं समंदर में छलांग मारने के लिए, मत मारिएगा छलांग जी। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है सरवर भाई, हमारे लास्ट जो ट्रिप में थे उसके भी साथी हैं हमारे। सरवर भाई कैसा है? कैसा लग रहा है? बेहतरीन मौसम, बेहतरीन नज़ारे। वजह ये है कि वहाँ से जाने से उन्होंने मना किया हुआ है, जहाँ लास्ट टाइम आपने देखी वीडियो, और बहुत ज़्यादा वीडियो आप लोगों ने पसंद भी की थी इटन डिस्कवर पर। और ये जो नया जो पिकनिक पॉइंट तलाश किया है, ये मेरे ख्याल के से पहले कभी आपने देखा हो किसी वीडियो में, और बार भाई ने ये तलाश किया। सारा क्रेडिट जाता है गोज़ टू Eat and discover बाहर भाई। तालियां, तालियां, तालियां। भाई ये समुंदर का नजारा दे रहा है, नहीं दे रहा है ये? बिल्कुल यकीन कीजिए, समुंदर की तरह लग रहा है। कितनी तेजी से पानी कहाँ तक आ रहा है, पानी कहाँ तक आ रहा है। हमारे सारे गीले हो चुके हैं, और लोग बहुत सारे आए हुए जो साथ बैठे हुए किनारे पर खाना बना रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं पिकनिक। बहुत सारी फैमिलीज भी आई हुई थी जो वापस गई हैं अभी, और जाहिर बहुत ही अच्छा एक मौसम है। बारिश हमसे आने से पहले थोड़ी बहुत बारिश हुई है यहाँ पर, और अभी ये मौसम बन रहा है। और अभी पीछे देखें आप तो कितना अच्छा ग्रीन, और पानी का कलर बताएं आप क्या है? कलर बताएं, देखिए ग्रीन, और वहाँ तो पीछे जो पहाड़ है वो आपको ब्लू भी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल वाह,
बेहतरीन कुदरत का बेहतरीन शाहकार, कुदरत का बेहतरीन शाहकार। और जफर भाई हमारे साथ हैं, जफर भाई आ जाए चाहिए और घुटन और गर्मी से निकलकर अपने लिए भी थोड़ा जिंदा रहें, अपनी फैमिली के लिए भी, खास तौर पर एक अच्छी जगह कराची में वैसे भी घूमने फिरने की जगह बहुत कम है, आप यहाँ अगर बच्चों को लेकर आते हैं तो यकीनन एंजॉय करेंगे, आप एंजॉय करेंगे बिल्कुल सही है। आ जाए लेकिन यहाँ पे नहाने की कोशिश नहीं करनी भाई, भाई नहीं नहाना नहीं है बिल्कुल भी, नहाना नहीं है, नहीं नहाना नहीं है क्योंकि डूब जाओगे भाई डूब जाओगे। जफर भाई हमारे साथ हैं, जफर खान ऑफिशियल से, तो ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हैं मछली पकड़ के लाए थे, ये मैंने पकड़ी है, लड़का ढूंढ रहा था कि मछली मिले मुझे तो मछली पकड़ के लाए, भाई 3 फीट की मछली ढूंढ के लाया लड़का, बिल्कुल मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो पानी, वो इस तरह का कुछ था, मैं भूल गया कैसा लग रहा था पर यार बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही एक आंखों को ठंडक देने वाला एक मंजर है, फर्स्ट टाइम आया ना, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, ये मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा, दिल गार्डन सा हो गया, लबे शीरी सा। हमारे साथ कुछ लोग थे, हमें कह रहे थे वापस चलो लेकिन हम वापस नहीं गए, मैंने भी कहा बाबर भाई को, नहीं बाबर भाई जब आए तो इधर की बना के जाएंगे हम, हाँ इधर की बना के, बहुत ही आउट क्लास मुझे तो लगा, और बाबर भाई माशाल्लाह से वैसे ही आप लोगों को एक आउट क्लास मंजर दिखाते रहते हैं, तो एक और इजाफा हो गया आउट क्लास मंजर में, एक और पिकनिक पॉइंट हमने दरियाफ्त कर लिया, तो कराची वाले यहाँ पर भी आए और इधर आके एंजॉय करें, एंजॉय करें, लेकिन मैं फिर आपको बार बार ये बता रहा हूँ, बच्चों के साथ आ रहे हैं या दोस्त वगैरह भी आ रहे हैं तो बिल्कुल जज्बाती नहीं होना, शाहरुख खान नहीं बनना, अर्जुन रामपाल नहीं बनना, इंसान बनना है, इंसानों की तरह रहना है, पानी को देख के नहीं, पानी की बिल्ली नहीं बनना, भिदकना नहीं है, पानी से दूर रहना है, क्योंकि यहीं से दोस्त साहब आगे जाएंगे तो सीधा अंदर जाएंगे, सीधा अंदर। फिर गोते लग रहे होते हैं, फिर बोलते हैं जी 2 मिनट पहले ले आते तो बच्चा बच जाता, भाई दूर रहो, दूर से इंजॉय करो ना यार, अंदर उतरने को किसने बोला, इतना जज्बाती हो जाते हैं, जहाँ जज्बाती होना वहाँ होते नहीं है, यहाँ जज्बाती हो जाते हैं, मछलियाँ भी हैं, मगरमच्छ भी है भाई, हमें 2-3 लोगों ने बताया कि भाई मगरमच्छ है, क्योंकि जहाँ तक आपको नज़रों की हद जा रही है ना, ये उससे भी आगे तक जो है डैम की हदूद है, और ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है कि डैम जो है भर गया है और स्पिलवे से पानी जो है बाहर आना शुरू हो गया है। देखिए स्पिलवे के लोग बोलते हैं ना पानी ज़ाया हो रहा है, ज़ाया नहीं हो रहा, ये डैम बहुत बड़ा है कि 3 साल की कराची की पानी की ज़रूरत तो ये पूरा कर सकता है, लेकिन फिर भी अफसोस की खबर ये भाई, ये कितना भर जाए पानी बाहर भी आ जाए, कराची वालों ने पानी खरीद के पीना है, खरीद के पीना है, चाहे पूरे पाकिस्तान में सारे डैम भर जाएं, कराची वालों ने पानी टैंकर के जरिए खरीद के पीना है, क्या वजह है इसकी, इसकी वजह नाहल हुकुमरान, और जाहिर है हाइड्रेंट्स बनाए हुए, ये पानी जाहिर है हब डैम से कराची भी पहुँचता है, लेकिन ये बिकता है फिर बाकायदा तौर पर, और एक बहुत बड़ी इसके पीछे जो है माफिया है और सियासतदान मिले हुए हैं, हुक्मरान मिले हुए, इसलिए ये पानी हमें बिल भी देना पड़ता है, जाहिर है टैक्स पे करते हैं सबसे ज्यादा टैक्स कराची देता है, लेकिन कराची पानी से महरूम है, प्यासा है कराची ये देखें, ये है वो लड़का जिसने कराची की असल आवाज को ढूंढ निकाला, प्यासा है कराची, तुम भी प्यासे हो, मैं भी प्यासा हूँ, मैं तो इधर से पानी पीने आया था। हम लोगों ने एक ऐसा जगह ढूंढ ली है पिकनिक पॉइंट के अंदर भी, बिल्कुल समुंदर का नजारा, मैंने कहा जूते गीले होते हैं तो जूते गीले हो जाएं आज, लेकिन हम आपको यहाँ पे खड़े हुए दिखाते हैं, 2-3 लोगों ने बोला भाई ध्यान से एक आराम से जाइएगा, मगरमच्छ यहीं कहीं घूम रहे होते हैं, तो हमने कहा भाई अच्छा ठीक है हम, लेकिन ये एक ऐसा नज़ारा था, मैंने कहा यार ये व्यूअर्स को दिखाया जाए, बहुत हसीन जगह है यार, मज़ा आया, हमने कहा यार कोई ऐसा स्पॉट मिले जहाँ उतर के थोड़ा हम पानी के अंदर तो आए ना ज़रा, तो ये एक वो वाला पॉइंट मिल गया है, बहुत ज़बरदस्त जगह है यार, मतलब अभी कुछ लोग यहाँ से गुजरे हैं तो हम लोगों ने बोले यार कौन सा स्पॉट है जहाँ तक गाड़ी लेके ये लोग आए हुए हैं, तो ये वो जगह है भाई, जूते हमने गीले कर लिए हैं और मज़ा आ रहा है भाई, यहाँ पर लाजमी आइएगा अगर आप लोग हैं, लेकिन मैंने को पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर ना ही कोई पेट्रोल पम्प है, ना पंचर की जगह है, ना कोई खाने की प्रॉपर जगह है, अगर कोई एडवेंचर करना चाह रहा है तो आ जाइएगा, मेन गेट बंद है, फिर बता देता हूँ, पानी की लहरें आ रही हैं उस तरफ, गहरा है, एक पांव रखा तो अंदर, तो लेकिन ये कि खुशी की खबर है कि हब डैम जो है भर गया, इतनी बारिश हुई, हम लोग तो खुद तो कोई काम करते नहीं हैं, अल्लाह ताला ही हम पे करम करके बार बार जो है डैम भर देता है, और वो डैम के फिर जब करम अल्लाह करता है तो हम क्या करते हैं, हम इस पानी को बेचना शुरू कर देते हैं एंड में, तो अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला करे और हमारे लोगों में एहसास पैदा हो, हमारे हुक्मरानों में एहसास पैदा हो, लोगों में भी एहसास पैदा हो कि अपने मुल्क की कदर करें और इस जगह को अच्छा यूटिलाइज़ करें, इस पानी को अच्छा यूटिलाइज़ करें, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके ना, लेकिन ये झाड़ियाँ वाड़ियाँ पता नहीं क्या बनाई हुई हैं, सो काट के यहाँ पे अच्छे को रिजॉर्ट बनाएं, लोग आएँ एंजॉय करें, पम्प बने यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं,
लेकिन ये है कि नहीं कुछ ऐसा हो रहा, लेकिन ये है कि ओवरऑल जगह बहुत मुझे मज़ा आया, लास्ट टाइम से भी ज़्यादा अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे आके। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।